ये वाली जो मेरी रीडिंग होने जा रही है, ये जो वीडियो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए ये बनी है, जिनके लिए ये एनर्जी इस वक्त पर काम कर रही है, जिनके लिए ये सारे टैरोस इस वक्त पर अपनी एनर्जी को बता रहे हैं और यूनिवर्स की तरफ से जो जिसके लिए ये मैसेज है, जो मुझे इस वक्त पर जो मेरे व्यूअर्स मुझे लाइक कर रहे हैं, जो इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अपनी एनर्जी फ्लो कर रहे हैं मेरी तरफ, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं पर काम करेगी और आने वाले वक्त में उन्हीं को इस वीडियो से जो लाभ या जो सिचुएशन बन रही है उन्हीं के ऊपर ये सिचुएशन बनेगी। इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और बिना सब्सक्राइब किए मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत जरूरी है और बहुत ही एनर्जी के साथ ये बनाई गई है, बहुत ही रियलिटी के साथ और बहुत ही सच को सामने लाते हुए एक बहुत जबरदस्त डाउनलोड के साथ। ये कुछ लोगों के लिए खास यूनिवर्स का मैसेज है, ब्रह्मांड का मैसेज है, तो इसे एक्सेप्ट करने के लिए ब्रह्मांड की तरफ अपनी एनर्जी को फ्लो कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। आभारी हूँ मैं आप सभी के प्रेम की, आप सभी के इतने प्रेम ने मुझे इतना मोटिवेट किया, मेरे चैनल को इतना मोटिवेट किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि ब्रह्मांड की गोद में क्या है। इतना दर्द सहा, इतना दुख सहा, जिंदगी के हर थपेड़े को सहने के बावजूद भी लोगों को माफ किया, पूरी तरह से सरेंडर रहे, जिंदगी में जितना ज्यादा दर्द दूसरों ने दिया उनको फिर भी माफ करते हुए आगे बढ़ते गए, और हमेशा किसी के लिए भी कोई मन में कहीं ना कहीं वो नफरत या वो नहीं रखा जो लोग अक्सर रखा करते हैं, मन के अंदर कुछ बहुत सारी नफरत और दुश्मनी। हर किसी को माफ करते हुए आगे भी बढ़े और सब कुछ किया भी, अपनों के लिए भी किया, अपनों के लिए जिए भी, सब कुछ करने के बावजूद भी जिंदगी ने अभी तक वो नहीं दिया, वो जस्टिस नहीं मिला। जो हमेशा कहा जाता है कि कर्मा वापस लौट कर आएगा, तो कहाँ है वो कर्म जो अच्छे हमने किए थे? कहाँ है वो कर्मों का भुगतान, वो सच्चाई जो हमने किए? तो क्या ब्रह्मांड को वो नहीं दिख रहे? क्या ब्रह्मांड हमारी सच्चाई को अपना नहीं रहा? क्या ब्रह्मांड हमारे दुख को समझ नहीं रहे? तो क्यों जब कर्म के बदले कर्म ही मिलता है तो हमारे कर्मों के बदले दुख क्यों? कहाँ है वो सच्चाई जो हमेशा कहा गया है कि कर्म घूम कर आते हैं? तो वो कर्म जो हमने माना कि नहीं मालूम कि कौन सा गलत कर्म हो गया, माना कि नहीं मालूम कि हो सकता है कि ईश्वर की नज़र में कुछ कर्मा जैसे हो जो हमें नहीं समझ आ रहे कि हमारे गलत थे, और लेकिन ईश्वर जानते हैं। लेकिन जो चीज़ें अवेयरनेस में थी, जो सच्चाई मन में थी, जो सच मन में था, जो वफादारी खून में थी, जो वफादारी खुद से की, जो हमेशा दूसरों का भला सोचने की सच्चाई थी, वो कहीं ना कहीं वो भी तो एक कर्म ही था, वो भी तो सच ही था, जो ब्रह्मांड देखता था, जो ब्रह्मांड जानता था, हमेशा से जानता था, आज भी जान रहा है। तो फिर उसके बदले में कहाँ है वो भुगतान, वो कर्म वापस लौट कर क्यों नहीं आ रहा? किस कारण से ये जिंदगी के थपेड़े आज भी दर्द दे रहे हैं? किस कारण से आज भी रिश्ते दर्द दे रहे हैं? किस कारण से वो दर्द खत्म ही नहीं हो रहे? जस्टिस किसे मिलता है जिन्होंने पाप किया है, या उनको जिन्होंने सच्चाई से जीने की कोशिश की है? मनुष्य तत्व में होते हुए बहुत सारे दर्दों से गुजरते हुए इस दुनिया के बहुत सारे चक्रों से निकलते हुए सच और झूठ बना ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अवेयरनेस में रहकर अपनी साइड से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मिला दर्द, मिली रुसवाई ही रुसवाई थी, दर्द ही दर्द था, बेवफाई ही बेवफाई थी, और सच के बदले सिर्फ झूठ। हमेशा इसी चीज से गुजरते 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 एक वक्त ऐसा भी आया कि हर चीज से दिल घबरा सा गया, हर चीज से, हर रिश्ते से मुंह मोड़ने का दिल किया, मायूसी थी, इतनी स्ट्रेंथ बनाई, हर चीज को झेलने की कोशिश की, हर चीज से पूरी तरह कोऑपरेट किया, हर इंसान से, हर रिश्ते से, हर सिचुएशन से पूरी तरह से कोऑपरेट किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी किसी भी तरीके की वो सच्चाई किसी भी तरीके हमें नहीं मिला जो जिसके काबिल थे, जिसके हकदार थे। लेकिन अभी जो वक्त है, जो सिचुएशन है,
वो अब आगे क्या, ब्रह्मांड ने हमारे लिए क्या सोच रखा है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रखा है, आखिर क्या होने वाला है आगे? क्या आज भी कंफ्यूजन में ही रहेंगे? क्या आज भी छल होते रहेंगे? क्या आज भी दर्द मिलते रहेंगे? क्या आज भी हर सिचुएशन का सामना करने के बावजूद मूवन हमें ही होना पड़ेगा, आगे हमें ही बढ़ना पड़ेगा? हर किसी को माफ करते 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 कहीं ना कहीं थक चुके हैं, बीमार हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, रातों की नींदें उड़ रही हैं, रातें रुस्वा हो रही हैं, तो कहाँ है वो सच? क्या ब्रह्मांड के पास कोई भी जवाब नहीं है? कुछ भी सच नहीं है? कोई भी जस्टिस नहीं है? आखिर सालों बीत गए जस्टिस जस्टिस के नाम पर धोखा मिलते हुए, लेकिन आज जब हम हर चीज को माफ कर देते हैं, हर चीज की प्रताड़ना को सह लेते हैं, हर दर्द सह लेते हैं, हर गाली सह लेते हैं, बेवफाई सह लेते हैं, और फिर उसे माफ कर देते हैं, तो तब तो हमें थोड़ा बहुत 10% मिल जाता है, अदरवाइज कुछ भी तो नहीं होता, कुछ भी तो नहीं होता। तो ऐसे में तो कुछ भी पा लेना बड़ी बात नहीं है कि हम माफ करते रहें, दूसरे हमें जूतों के नीचे रोलते रहें, हमारे साथ गलत चीजें करते रहें, हमेशा हमें गलत राह पे लेके जाएं, ताकि आपके किए हुए कर्म भी कहीं ना कहीं, जब आप दर्द से भर जाते हो, दर्द रुस्वा हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डोमिनेट नेचर में आपका भी आ जाना वाजिब है। अगर सामने वाला ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो क्या जवाब देना गलत है? अगर श्री कृष्ण जी सुदर्शन उठा सकते हैं गलत होने पर, तो जब कोई गलत सहता जाएगा सहता जाएगा सहता जाएगा, तो क्या उसका आगे से जवाब देना और गलत बात पर रिएक्ट करना, क्या वो भी कर्मा है? तो देखते हैं कि ईश्वर ने आखिर सोच क्या रखा है, क्या सोच रखा है इस ब्रह्मांड ने, क्या सोच रखा है इस सृष्टि रचनाकार ने। तो देखते हैं, दिल टूट चुका है, लाश बन चुका है कोई इंसान, बहुत सारे रिश्ते टूट चुके हैं, रिश्तों से बैकस्टेप हो चुका है, हर तरफ हर जगह से दर्द ही दर्द मिल चुका है, और एक तरह से खत्म हो चुका है ये इंसान। यहाँ पर मैं बहुत सारी अलग अलग एनर्जी देख रही हूँ, बहुत सारे कपल्स भी हैं यहाँ पर जिनकी मैरिज लाइफ में ये सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे सोलमेट भी हैं जिनकी लाइफ में ये चीजें हो रही हैं, बहुत सारी मायूसी है, बहुत सारी जिद है, कहीं ना कहीं बहुत लविंग केयरिंग नेचर होने के बावजूद भी रिश्तों से ठोकर खाया हुआ, कहीं ना कहीं ये इंसान लगातार दुख में है, क्योंकि जो सिचुएशन, जो प्यार, जो सच्चाई उसने चाही थी वो नहीं है। तो अभी ब्रह्मांड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से क्या आ रहा है आपकी तरफ, मैं जानना चाहती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, आप बताइए मेरे व्यूवर्स को कि आखिर अगर उन्होंने ये सारी चीजें झेल ली, सारी चीजें हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, और ये जो सिचुएशन है इस वक्त पर, बहुत सारे लोग बैठ गए हैं आराम से, क्योंकि अब उनको ना तो प्यार देना है और ना ही किसी से प्यार चाहिए। सच है तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं 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 कुछ चाहिए। तो यहाँ पर प्यार कोई देना भी चाहता है, कोई मैनिफेस्ट भी कर रहा है, बहुत सारी स्किल्स भी हैं, बहुत सारे टूल्स भी हैं, बहुत सारी स्किल्स के साथ बहुत सारे यहाँ लोगों ने बहुत कुछ अर्जित भी कर लिया है। आप बहुत ही प्योर सोल हो, आपने बहुत कुछ लाइफ में किया है, अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से ढालने के बावजूद भी आज आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो जितना कर सकते थे आपने किया है, लेकिन अब आपके पास करने को कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ देखना है ईश्वर का सच। बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे झगड़े, बहुत कुछ हो रहे हैं लाइफ के अंदर, बहुत कुछ हो चुके हैं, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारे अनुभव लाइफ से आप ले चुके हो, जिंदगी के अनुभवों से अब थक हार कर बैठ गए। अभी आगे आपको नहीं समझ आ रहा कि आखिर क्या है जिंदगी, क्या करें आखिर, और क्या करें, क्या करें सर, बताइए सोल्यूशन क्या है, होने क्या वाला है, क्या होगा? मोक्ष को तो हर कोई चाहता है, इस दुनिया से तो हर कोई एक दिन चला ही जाएगा, लेकिन इस दुनिया में रहकर जिस वजह से आप आए थे, जिन खुशियों में रहना चाहते थे, जिन अपनों के साथ रहना चाहते थे, वो अपने ना अपने हुए, ना वो खुशियां अपनी हुई, सारी जिंदगी यही किया, फिर क्या है सच हमारी जिंदगी का?
मेरे व्यूअर्स का रिप्लाई दीजिए। आप यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको उन्होंने बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं, आपके पास बहुत कुछ है। जिंदगी के थपेड़ों से निकलते हुए आपके पास जिंदगी के बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे, भले ही वो लस्ट से हो, फिजिकल वर्ल्ड से हो, रिश्तों से हो। फिजिकल वर्ल्ड मीन्स ए टू जेड हर चीज, फिजिकल जो हम इस संसार में, इस सृष्टि के अंदर जिस चीज का अनुभव करते हैं, पैसा हो, प्यार हो, रिश्ते हो, नाते हो, कुछ भी हो, तो इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आपने जिंदगी के बहुत सारे अनुभव लिए। आपने क्या नहीं दुख सहा, क्या नहीं आपने देखा, संसार की असलियत आपके सामने थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आप लगातार जुड़े रहे उसी एडिक्शन से, उसी संसारिक मोह से, उसी फिजिकल वर्ल्ड से, क्योंकि आप इस संसार के उस मोह में उस प्यार को पाना चाहते थे, जो जो जहां पर उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, उपेक्षा रखना कि कोई हमें, हमारे लिए है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, प्रॉपर। आपने अपने आप को जिंदगी के उस आग की भट्टी से निकालते हुए अपने आप को आगे निकाला, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कोई ऐसा इंसान जो लस्ट से निकल ही नहीं पाया, जो आज भी अडिक्टेड है कुछ चीजों में। लस्ट की एनर्जी है, ये झूठ है, ये छल है, धोखों में आज भी रहा वो। जिन लोगों ने, जिन रिश्तों ने, जिन सिचुएशंस ने आपकी लाइफ के सारे दरवाजे बंद कर दिए, आपको उस जगह पर लाकर छोड़ दिया जहां पर आप एक बेबसी की जिंदगी को जी रहे थे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सरेंडर तो किया हुआ था आपने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसी उपेक्षा थी कि मरने से पहले वो प्यार, मरने से पहले वो पैसा, मरने से पहले वो फेम, नेम, कुछ भी ऐसी डिजायर जो चीजें अभी बनी हुई थी, ईश्वर चाहते थे कि आप इन सारी चीजों से आगे बढ़ जाएं। भले ही धीरे धीरे आप इन सारी चीजों से आगे बढ़ भी रहे थे, क्योंकि जिंदगी के इतने सारे अनुभव आपके पास थे, इतने सारे अनुभव आपके पास थे कि आपने जिंदगी को बहुत नजदीक से देख लिया था। बचपन से लेकर बड़े होने तक आपने लविंग केयरिंग नेचर के साथ जिंदगी को सिर्फ दिया था, लोगों में सिर्फ बांटा था, प्यार किया था, विश्वास किया था, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पाए, इस एडिक्शन से आगे नहीं बढ़ पाए, अपने लोगों से, अपने रिश्तों से, किसी भी ऐसे सिचुएशन में जहां पर आप फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं एक कण आज भी अंदर बाकी था, जिस कारण से, क्योंकि एक आप एक प्योर सोल थे, आपको जिंदगी में कुछ करना था, कुछ खास करना था, आप जिंदगी में कुछ खास करने के लिए आए थे, लेकिन आपने इस फिजिकल वर्ल्ड को ही अपना मान लिया, क्योंकि ये सत्य है, मृत्यु एक ना एक दिन आपको गले लगा लेगी, और जिन चीजों को करने आए थे आप, जिन कामों को करने आए थे, वो आपने अपनी लाइफ में अपना टाइम इतना ज्यादा बेफालतू की चीजों में, एडिक्शंस में, झूठ में, लस्ट में इतना ज्यादा गुजार दिया, इतना ज्यादा गुजार दिया कि जिन चीजों को आप करने के लिए आए थे वो कहीं ना कहीं आज भी बाकी है। और यहां पर ब्रह्मांड आपको, सृष्टि रचनाकार आपको बताना चाहते हैं कि जिस प्यार की आस में आप हमेशा जिंदगी में उन लोगों से जलील होते हुए, उन लोगों के लिए करते हुए जिन लोगों ने आपको वापसी में कुछ दिया ही नहीं, तो क्यों नहीं दिया? क्योंकि जिन कर्मों को क्लीन करने के लिए, जो कार्मिक रिश्ते थे, जो आपके साथ कुछ लेन देन करने के हिसाब से इस दुनिया में आए थे, उनके साथ आज भी कहीं ना कहीं लेन देन बना हुआ था, कार्मिकनेस, कार्मिक रिश्ते, कार्मिक सिचुएशन आज भी आपकी लाइफ में बनी हुई थी, जिसे अब क्लीन एंड क्लियर होना बहुत जरूरी था, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत स्लो थे, बहुत ज्यादा स्लो थे, धीरे 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 इस चीज के लिए कर रहे थे। तो जब ऐसे सिचुएशन, क्योंकि ईश्वर ही जानता है कि आपके पास कितने क्षण हैं, ईश्वर ही जानता है कि आपके पास कितनी सांसें बाकी बची हैं, तो आज भी अगर आप उन जो चीज काम, जो काम करने आए थे वो नहीं किया, तो ईश्वर आपकी लाइफ से वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते जाएगा, सारी चीजों को हटाते जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में सरेंडर किया है, आपने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर साफ क्लीन किया है, मतलब सच्चाई में रहे हो आप, आपने ये सारी चीजें तो की क्योंकि आप एक प्योर आत्मा थे, प्योर सोल थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस संसार में आकर इस संसार की उपेक्षाओं में फंस गए, इस संसार से उम्मीदों में फंस गए, लेकिन एक ही उम्मीद आपके लिए बची थी जो ईश्वर है,
ईश्वर को ये ताकि आप जाएं और वापस आ जाएं अपने काम करके, लेकिन यहाँ पर आप कुछ चीजों में फंसते ही चले गए, फंसते ही चले गए, फंसते ही चले गए। लेकिन ईश्वर चाहते थे कि आप जल्दबाजी में जल्दी से इन चीजों से निकले, आगे बढ़े, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्लो हो चुके थे, बहुत ज्यादा स्लो थे। जिस टाइम पर जिस जिस काम को आपने करना था वो काम आप टालते गए और कहीं ना कहीं ये चीजें बनती गई। क्योंकि यहाँ पर जिस काम, जिस सोल मिशन के लिए आप तैयार किए गए थे, जिस सच्चाई के लिए तैयार किए गए थे, जिस मिसाल के लिए आप तैयार किए गए थे, जिस सिचुएशंस में से निकलकर आप लोगों के बीच में अपने अनुभव बांट चुके सकें और वहां पर प्रचार कर सकें सच्चाई का कि ये धरती, ये सृष्टि सिर्फ इसीलिए है कि आप आओ और इन कुछ चीजों को, अपने कर्मों को क्लीन करो, इस कर्म या फिर इस कर्मों के चक्रों को जिस तरीके से निभाते हुए आपको हमेशा जाना ईश्वर तत्व में। इस संसार में कोई भी नहीं रुक सकता, जब जब जिसका जिस वक्त पर टाइम आ चुका होता है तो उसे आगे बढ़ना ही है, उसे उसी पुंज में, उसी प्रकाश में, उसी जगह पर आपको पहुंचना है जिस जगह से आप आए हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत कुछ दुनिया में देने के लिए आए थे, लेकिन वो काम कहीं ना कहीं रुकता गया। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ देने के बावजूद भी, बहुत सरेंडर करने के बावजूद भी, प्योर आत्मा होने के बावजूद भी आपने किया सब कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आपकी हर चीज का कम्प्लीशन हो चुका था। आपकी लस्ट लाइफ, फिजिकल लाइफ, प्यार, ये वो, रिश्ते, हर चीजों का अब कम्प्लीशन हो चुका था, खत्म हो चुकी थी आपकी लाइफ से वो साइकिल, वो पीरियड खत्म हो चुका था आपकी लाइफ से। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लगातार इंतजार करते रहे, इंतजार में ही रहे आप लगातार, क्योंकि आपको ये फिजिकल वर्ल्ड भाने लगा था, ये फिजिकल दुनिया, ये फिजिकल लस्ट, ये फिजिकल वर्ल्ड आपको भाने लगा था और आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्लो हो चुके थे अपने अपने सोल मिशन के प्रति। अपने अनुभवों को दुनिया में बांटना था आपको, लेकिन आप आज भी किसी न किसी उम्मीद में जी रहे थे, किसी न किसी उपेक्षा में जी रहे थे। तो इस उपेक्षा को, इस लालसा को, इस मोह को छुड़ाने के कारण, मतलब कि जब तक आप इस चीज के मोह हो, मतलब हर चीज का एक मोह होता, भले ही हमारे अपने प्रति हमारा मोह हो, हमारी खूबसूरती के प्रति हमारा मोह हो, हमारी किसी चीजों के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, रिश्तों के प्रति, प्रेम के प्रति, किसी भी तरीके का मोह, जो डिजायर, कोई इच्छा बाकी रह गई है, तो उन सारी चीजों से जब आपने सरेंडर कर ही दिया, हर चीज को छोड़ ही दिया ईश्वर पर, तो हर कनेक्शन को, भले ही वो आपका सोल कनेक्शन है, भले ही आपका वो सोल कनेक्शन है, उसे भी छोड़ दीजिए ईश्वर के सहारे। हर चीज को, किसी भी चीज का मोह नहीं रखना है। तो जब इस मोह को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं मिला ईश्वर को, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी सरेंडर किया, प्यार किया, अनकंडीशनल लव भी किया, सब कुछ किया, सच पे भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच, ये सरेंडर, ये मोह, मतलब वो प्यार आज भी कहीं ना कहीं एक मोह का रूप लिए हुए था, एक डिजायर का रूप लिए हुआ था। और जिस जगह पर आपको पहुंचना था वहां पर जाने के लिए आप बहुत ही ज्यादा स्लो, तो वो उपेक्षाएं, वो उम्मीदें, इस दुनिया का सच आपको इसी तरीके से दिखाया गया। जिस जिस चीज से आपने मोह किया, जिस जिस चीज पर आपने विश्वास किया, जिस जिस रिश्ते को अपना माना, उसी ने आपको ठोकर लगाई, उसी ने आपको बैक स्टेप किया। वो समझाना चाहते थे आपको कि आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, लेकिन तब जब आप उस चीज को समझोगे कि आप अपना वक्त क्यों गंवा रहे हो, क्यों आप अपने अनुभवों को दुनिया में, जिस मिसाल को कायम करने आए थे, जिस सोल मिशन के लिए आए थे, जिन कर्मों को क्लीन करने आए थे, कहीं ना कहीं आज भी बाकी हैं। ये संसार, ये सच, ये प्यार, ये लस्ट, ये सारी चीजें झूठ हैं। जिन जिन चीजों की उपेक्षा आपने की, जिन जिन चीजों पर आपने विश्वास दिखाया, जिन जिन रिश्तों को आप अपने समझ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन सारे मोह के रिश्तों को आपसे दूर किया गया। दूर किया गया क्योंकि क्योंकि ईश्वर ने आपको इस संसार में ये सारी चीजें दी थी। वो ये चीजें इसलिए थी आपके साथ क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ कुछ
चीजों के साथ, कुछ सिचुएशंस के साथ कार्मिक नेस में बंधे हुए थे, आपके कर्मा को क्लीन करने के लिए उन चीजों से बंधे हुए थे। आपके साथ अगर सोल कनेक्शन था, आपके साथ अगर ट्विन कनेक्शन था, तब भी आप कहीं ना कहीं लगातार उसके मोह में, उसकी डिजायर्स में रहे और स्लो कर दी अपनी जर्नी, क्योंकि आपको जो करना था वो आपने किया ही नहीं। जिस जगह पर आपको पहुंचना था वो पहुंचे ही नहीं, इसी वजह से बार बार आपकी लाइफ में टावर क्रिएट हुआ, बार बार टावर क्रिएट किया गया आपकी लाइफ। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाएगी, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया गया, आपको आपके पास ऑप्शंस बहुत थे लेकिन आपके पास एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ा गया। बार बार आपकी लाइफ में डेविल एनर्जी क्रिएट की गई, बार बार आपको मूव ऑन होना पड़ा, बार बार आपको हर चीज, जब जब आपका विश्वास टूटता तब तब आप टूट कर ईश्वर की तरफ भागते और अपने अनुभव और इकट्ठा करते गए। लेकिन जब जब आपको आगे चलकर फिर उस चीज, कोई ऐसा इंसान मिलता, कोई कर्मों से बंधा हुआ, कोई ऐसा रिश्ता, कोई सिचुएशन, कुछ भी, तो आप उसी के मुंह में फिर दोबारा से उसी सिचुएशन में चले गए, जिस कारण से आप बार 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 वही पैटर्न रिपीट कर रहे थे। भले ही आपका सोल कनेक्शन था, सोल कनेक्शन आपके साथ अब भी है और बाद में भी रहेगा, लेकिन ये आपको पुश कर रहा था, बहुत सारे लेसन्स दे रहा था, उन लेसन्स को सीखना था, उन टावर्स क्रिएट क्यों किए गए, वो डेविल एनर्जी क्यों क्रिएट की गई, क्यों आपको अकेला छोड़ा गया, क्यों आपकी लाइफ में इतनी सारी सिचुएशन बनी गई। बार बार आपको इंडिकेट किया गया, लेकिन यहां पर ईश्वर आपको बार बार इशारे दे रहा था, उन इशारों को आप समझ ही नहीं पाए, क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो संतुष्ट होकर जाएं। आपकी लाइफ में प्यार, पैसा, हर चीज होनी चाहिए, प्यार, पैसा, सच्चाई, सुख, हर चीज के आप, हर चीज को आप डिजर्व करते हो। कहीं ना कहीं आप इस चीज को भूल रहे हो और छोटी 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 डिमांड्स को अपने मन में रखकर ईश्वर की तरफ देखते हो और वो छोटी छोटी डिमांड्स को पूरा करवाना चाहते हो। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि जिन चीजों के लिए आप इस दुनिया में आए थे, जिन काम करने के लिए श्री कृष्ण जी आए थे, राम जी आए थे, श्री कृष्ण को अपनी राधा से दूर भी रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने सोल मिशन को समझा, उन्होंने जाना कि ये जन्म अगर मैं सारे काम नहीं करूंगा तो नेक्स्ट जन्म फिर लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ईश्वर नहीं चाहते थे, अब इतनी उम्र बीत गई, इतना टाइम बीत गया, फिर भी आप आज भी उम्मीदों में, आशाओं में, दूसरों से कुछ ना कुछ पाने की इच्छा में आज भी कहीं ना कहीं खुद को दुखी कर रहे हो, मन के एक कोने में आज भी कुछ बाकी है कि मुझे ये नहीं मिला। तो जो नहीं मिला उसे देना चाहते हैं ईश्वर आपको, लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो बार बार टावर क्रिएट किया जा रहा है उसे समझो, उसे समझने की कोशिश करो, बचपन से लेकर बड़े होने तक जो आपको अनुभव मिले हैं उन अनुभवों से आपको एक मिसाल कायम करनी थी, अपनी जिंदगी में वो सारा कुछ इकट्ठा करना था जो सच्चाई से आपकी तरफ आपकी अबंडेंस को भेज सके। आपको उस जगह पर जाना था जहां पर आपकी हर तरीके की कार्मिकनेस को खत्म किया जा सके। आप अपनी लाइफ के सीखे हुए बहुत सारे, लिए हुए बहुत सारे अनुभव, जिस तरीके से श्री कृष्ण जी, श्री राम जी इस दुनिया में आए और फिर उनको अपने काम करके वापस जाना था, तो कहीं ना कहीं यही मिसाल आपको भी कायम करनी थी। कहीं ना कहीं आपके भी कुछ सोल मिशन थे, आपके भी कुछ कर्माज थे, आपने भी इन सारी चीजों से उठते हुए आगे बढ़ना था और अपनी लाइफ में उस जगह पर पहुंचना था जब आपको लोग आपके अनुभवों से आपकी एक मिसाल कायम हो सके, आपसे लोग कुछ सीख सके, आप लोगों को कुछ सिखा सके। तो आप लेकिन कहीं ना कहीं एक उपेक्षा में रह गए, किसी उम्मीद में रह गए, वो भले ही अपने ट्विन पार्टनर से हो, अपने सोल कनेक्शन से हो, सोलमेट से हो, अपने रिश्तों से हो, अपने बच्चों से हो, अपने पति से हो, अपनी पत्नी से हो, या फिर किसी भी रिश्ते से हो, किसी भी तरीके की किसी एक डिजायर में रह गए कि मुझे कुछ ना ये चीज चाहिए, मेरे साथ ये क्यों नहीं है। तो ईश्वर ने कहा कि आपको हर जगह पर टावर ही मिलेगा, क्योंकि आप हकदार हो बहुत सारे पैसे के, हकदार हो बहुत सारी अबंडेंस के, आप हकदार हो उस प्रेम के, सच्चे प्रेम के। लेकिन जब तक आप उस सच्चाई में अपने मन की सच्चाई को, अपने अंतरात्मा को नहीं समझोगे, तब तक उस सच्चाई से वंचित रहोगे। और यही काम लगातार आपके साथ हो रहा है, क्योंकि उस सच्चाई तक आप बहुत स्लो हो।
बहुत ही स्लो हो, लेकिन अब आपको स्लो नहीं रहना क्योंकि ये वक्त नहीं है। ईश्वर चाहते हैं अब आपको दौड़ लगानी है, जब आप दौड़ लगाओगे तभी, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है आपके पास। आपने अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त अपने झूठे रिश्तों में, झूठी चीजों में, झूठ में बिता दिया है, इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर झूठे डिजायर्स में बिता दिया है। तो जिस कारण से अब क्या हो रहा है, क्योंकि आपके आप अपने आप उन चीजों से बाहर ही नहीं आना चाह रहे, आप लगातार बार 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 मुड़ मुड़ के उन्हीं चीजों में स्टक हो जाते हो, जिस कारण से अब ईश्वर आपको स्टक नहीं रहने देना चाहते। जो कूड़ा करकट आपके रास्ते में जमा हुआ है, जिन कूड़ा करकट को, जिन कर्मों को, जिन चीजों को क्लीन नहीं कर पा रहे आप, तो अब ईश्वर अपने तरीके से उस चीज को, उस रास्तों को साफ कर रहा है कि अगर तुम नहीं साफ करोगे, आप तुम कीचड़ में धंसे रहोगे, क्योंकि तुम मेरे हो, तुम मेरे लिए इस दुनिया में किसी काम से आए थे। एक प्योर सोलो स्टार सीड हो आप, एक प्योर एनर्जी में हो आप, कृष्णा की एनर्जी में हो, राम जी की एनर्जी में हो, तो आपको यहां नहीं रुकना है। इस दलदल में मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा, नहीं स्टक होने दूंगा, तुम्हें वापस आना ही होगा। जिस कारण से आपके रास्ते ईश्वर साफ कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे दर्द दिया जा रहा है, मुझसे हर चीज छूट रही है, लेकिन ये सब छूट जाने का कारण ये है क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि जिस मुंह में आप जा रहे हो, जिस दलदल में आप फंस रहे हो, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो मुझे अब इससे बाहर आपको निकालना ही पड़ेगा, भले ही जबरदस्ती। क्योंकि जब कोई इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है, जब कोई इंसान एक मर जाता है, खत्म हो जाता है, राख में जल जाता है, चिता में जल जाता है, तो उस दिन भी तो उसे छोड़ना पड़ता है। वो उसके लिए हम रोते हैं, जिस कारण से बहुत कुछ करते हैं, जिस कारण से वो आत्मा भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहती है और हम भी असंतुष्ट रहते हैं। तो वो सिचुएशन से आपको बाहर कैसे निकाला जाए, जब आप नहीं निकलोगे, तो ईश्वर चाहते हैं कि उस चीज को समझो कि जब भी जिस चीज से हम इतना मोह पाल लेते हैं और वो चीज हमें छोड़ कर जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि यहां पर हर चीज खत्म हो जानी है, आपने भी खत्म हो जाना है, मैंने भी खत्म हो जाना है, ये सारे रिश्ते नाते, ये संसार एक ना एक दिन छूट जाना है कभी। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ बने, तो उस वक्त आपको वो पीड़ा का दर्द, उस दर्द का एहसास ना हो। अगर ये दर्द आज भी आपके अंदर है, तो कहीं ना कहीं मोह है, क्योंकि उस सच्चाई से आप भाग रहे हो कि आपको एक ना एक दिन ईश्वर में लीन हो जाना है, ईश्वर में लीन हो जाना है, और उसी पुंज से आपको उस प्रकाश में पहुंच जाना है जहां से आपको आने हैं, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो अब ईश्वर अपने भी तरीके से आपको एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, जिस तरीके से इस संसार में रहते हुए भी आप उस वैराग्य को समझ सकें, जैसे एक गृहस्थ के अंदर रहते हुए कोई साधु होता है, उसी तरीके से जब आपका अंतिम वक्त आए, जब आप इस दुनिया से रवाना हो, तो आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं वो डिजायर्स ना रह जाएं कि हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई इंसान फंसता है और अंत वक्त पर जिस तरीके की सोच में जाता है, तो उसी तरीके का अगला जन्म होता है। इसी कारण से ईश्वर नहीं चाहते कि अंतिम वक्त में आप इन चीजों में फंसे हुए इस संसार को छोड़े। तो ये मोह है, सिर्फ मोह है, इस चीज को छोड़ना है ताकि आप उस पुंज में, उस मोक्ष में, उस जगह पर पहुंच सके जहां पर आपकी सारी डिजायर्स पूरी की जाती हैं, सब कुछ संतुष्टि आपको दी जाती है, क्योंकि ये वक्त आ चुका है आपके रिवॉर्ड लेने का। नेक्स्ट लेवल अगस्त मंथ के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा एक बिग चेंज देख रही हूं मैं लाइफ के अंदर। बहुत कुछ है, निराशा है या कुछ भी है, कहीं ना कहीं विक्टिम महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि आपकी जिंदगी कैसी थी, क्या हो गया, ये हुआ वो हुआ, तो बहुत सारी चीजों से घिरे हुए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बीमार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर के पास आपके लिए बहुत कुछ है आपको देने के लिए, आपको बस समझना है। ईश्वर के पास आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं, लेकिन ये गिफ्ट लेने का वक्त भी आ चुका है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में वो सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं, सारे टावर्स क्रिएट हो रहे हैं जो आपको इस दलदल से बाहर जल्दी जल्दी निकाल सकें, जल्दी जल्दी से वो सारी चीजें क्लियर हो सकें, कि आप जिंदगी के सच को पहचान सके। क्योंकि ईश्वर को अब लगता है कि आपको वो सारे पुरस्कार मिलने चाहिए जिसके आप हकदार हो, बिल्कुल आपको ये पुरस्कार मिलकर ही रहेंगे, क्योंकि यहां पर ईश्वर ने आपके लिए कुछ खास सोच रखा है।
लेकिन ये खास आपको तभी मिल पाएगा जब आपके अराउंड जो कार्मिकनेस है वो सारी की सारी आप क्लीन एंड क्लियर करोगे, एडिक्शन से बाहर आओगे, नेगेटिविटी से बाहर आओगे, उपेक्षाओं से बाहर आओगे, मोह के धागों से बाहर आओगे, तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर जो सोच विचार है, आपके माइंड के थॉट्स हैं, अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दीजिए, बिल्कुल खाली कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप खुद को खाली नहीं करेंगे तब तक आपको डेविल एनर्जी के अटैक्स होते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको कार्मिकनेस बार बार कर्माज बनते रहेंगे, तो वो चीजें अब आपकी पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। ईश्वर ये चाहते हैं, जिस कारण से आपको इतने सारे दर्द, इतने सारे झूठ से गुजर कर निकलना पड़ रहा है, आपका विश्वास तोड़ा जा रहा है, आपका दिल तोड़ा जा रहा है, इतनी प्योरिटी में आने के बावजूद भी, सरेंडर करने के बावजूद भी ये सारी सिचुएशन को आप झेल रहे हो, क्योंकि अब ईश्वर चाहते हैं कि बस बहुत बहुत हुआ, जल्दी करो, अब आपको जल्दी करनी है ताकि ये सारी चीजें आप भोग सकें। क्योंकि जब आपके पास, आपको मजबूत किया जा रहा है, स्ट्रोंग किया जा रहा है, क्योंकि जब ये चीजें आपके पास होती है तो कई बार इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, अपने आप में ही बहुत, अपने आप को कुछ समझना या फिर अपनी हायर पावर में ना जाकर कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन में चले जाना, क्योंकि इस संसार का ईगो आ जाता है, तो वो चीजें आपके अंदर ना रहे, इसलिए आपकी लाइफ में से हर चीज को मार दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है, ताकि आप एक मजबूत घड़े की तरह जिसमें भर के पानी रखा जा सके, जो किसी की प्यास बुझा सके, ना कि जिस एक कच्चे घड़े के अंदर अगर पानी भर दिया जाए तो वो ना तो किसी की प्यास बुझा सकता है, ना ही उसके अंदर वो इतनी स्ट्रोंगनेस होती है कि वो खुद को कहीं ना कहीं झेल सके उस पानी को, तो वो पानी भी गंदा हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको वो मजबूती दे रहे हैं ईश्वर कि आप इतने मजबूत हो जाएं, इतने मजबूत हो जाएं कि जिस दिन आपके पास पैसा आए, वो प्यार आए, तो उस चीज की एक्साइटमेंट ना हो, आप उस सच में रह सकें कि ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है, इस ब्रह्मांड के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, पैसा है, प्यार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, सोल कनेक्शन है, या भले ही कोई भी कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल वर्ल्ड का एक भ्रम है, वहम है, झूठ है, इन चीजों की एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसी, क्योंकि ना तो आपको किसी एक्साइटमेंट में जाना है, ना ही किसी चीज का शोक मनाना है, ना ही किसी चीज की बहुत ज्यादा खुशी मनानी है, क्योंकि ये संसार, ये चीजें, ये रिश्ते, ये सब कुछ, चाहे वो पैसा ही, वो कभी भी खत्म भी हो सकता है, कभी आ भी सकता है, ये सारी डिस्ट्रॉय हो जाने वाली चीजें हैं। तो इन चीजों का सच जिस दिन आप पूरी तरह से मन से मजबूत होकर समझ जाओगे, उसी दिन आपको वो सारे गिफ्ट दिए जाएंगे जो जिनके काबिल हो, जिस संसार के सुख को आप भोगना चाहते हो, जिस पैसे से आप ऐश करना चाहते हो, मौज मस्ती करना चाहते हो, वो खुशी, वो जुनून, हर चीज आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन तब जिस दिन, तब वो दी जाएगी जिस दिन आप इतने स्ट्रांग हो सकोगे कि जब आपके पास पैसा आए तो उससे आप दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों की हेल्प कर सकें, ना कि आप डाउन टू अर्थ रहे, ना कि आप दूसरों के सामने उस चीज की ईगो में आ जाओगे, देखा मैं अच्छा था, मैं सही था, मैं अच्छे कर्मों से था, इसलिए मेरे पास पैसा आया, मैं, मेरे कर्म अच्छे थे, मैंने हमेशा अच्छा किया था, भले दुनिया ने बुरा सोचा, लेकिन मतलब इस तरीके की कहीं ना कहीं ईगो ना आ जाए, इस तरीके की कुछ आपके अंदर भाव ना आ जाए जो आपको दोबारा से किसी कर्मों में लिप्त कर दें। इसीलिए आपको एक मजबूत घड़ा बनाया जा रहा है, स्ट्रोंगनेस में लाया जा रहा है, मजबूती में लाया जा रहा है, जिस कारण से आपकी लाइफ में इतने सारे टावर क्रिएट किए गए हैं कि आप हर चीज से बाहर आ सकते, और ना ही आपके अंदर एक कोई निराशा का भाव रह सके, किसी भी चीज के छूट जाने का, टूट जाने का कोई दुख ना रह सके, किसी चीज के मिल जाने की बहुत खुशी ना रह सके, एक्साइटमेंट ना रह सके, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाना है, मिलेगा आपको सब कुछ। इसीलिए इस दलदल से निकालने के लिए जल्दी 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 आपके सारे कर्म काट रहे हैं ईश्वर खुद, आपको इस दलदल से निकाल रहे हैं ईश्वर खुद, आपकी लाइफ में टावर क्रिएट कर रहे हैं ईश्वर खुद, ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं कि आपको पुश किया जाए, और आप पुश हो भी रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं बहुत सारे लोगों को गिफ्ट मिलते हुए, आपको पुरस्कार दिए जाएंगे, ईश्वर आपके लिए तैयार हैं, रेडी हैं आपको गिफ्ट देने के लिए। तो ये ऑल जोडियक साइन के लिए है, क्योंकि यहां पर ये स्थिति, ये सिचुएशन आप पर काम करती है,
किसी भी जोडियक साइन का नाम लेकर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यहाँ पर, लेकिन ऑल जोडियक साइन है तो आपको ये नहीं लेना कि जोडियक साइन क्या है, आपको अपनी स्थिति की लेनी है, आपका मन जानता है सच क्या है, आपको अपनी कहानी का पता है। तो आई होप कि आपके साथ रेजोनेट की होगी, और रेजोनेट की है तो बिल्कुल 110% यही आपकी लाइफ के अंदर घटित होने वाला है, 1000%। ये सच होके ही रहेगा। बड़े ही तहे दिल से प्रेयर करके ये वीडियो, ये रीडिंग, ये डाउनलोडिंग मैं आपको दे रही हूँ, जो वाकई में ही आने वाले वक्त में जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं जो लाइक करने वाले हैं, उनको ये सारी स्थिति का सामना करते हुए अबंडेंस और बहुत सारा प्यार मिलेगा ही मिलेगा। प्यार, ये पैसा, ये सच, ये सच्चाई की जिंदगी, सच्चे रिश्ते, ये हर चीज आपके लिए तैयार है, आपको मिलकर ही रहेगी। ये प्रे है मेरी ईश्वर से, मुझे लाइक, जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, और जो मुझे सुन रहे हैं, ये ऑल सभी के लिए ये वीडियो है, सभी के लिए ये रीडिंग है, लेकिन ये उसी की तरफ फ्लो करेगी जो मेरी तरफ अपनी एनर्जी को फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये सब आपके लिए है, आप रेडी रहिए और इस सच को समझिए और जानिए और मानिए, दिल से समझिए, दिल से जानिए कि यही सच है जिंदगी का, आपको ये अपनाना ही होगा ताकि आपकी लाइफ में वो सारी खुशियां आपको मिल सके जो आप डिजर्व करते हो। आई होप कि ये रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।